चला भी मेरा बैठ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए आज। मकसद ये है बताने के लिए, आपके वसादत से हम लोगों तक ये इत्तला पहुंचाना चाहते हैं कि आज से इस वक्त से डेंगी हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर के अंदर फाल कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ 280 बेड तैयार हैं हमारे पास और सारा स्टाफ, दवाइयाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई, हर किस्म की वो ज़रूरत जो एक मरीज़ का ख्याल करने के लिए, वो सब इस वक्त मौजूद है। हमारे सारे ये जो इसका सुपरविज़न का जो सिस्टम है, वो डॉक्टर असद असलम साहब और इनके साथ मेयो हॉस्पिटल जो है ये प्रॉपर कवरेज दे रहा है, लेकिन सारे अस्पतालों ने अपने बंदे यहाँ भेजे हुए हैं। यहाँ जनरल हॉस्पिटल का भी स्टाफ मौजूद है, यहाँ जिना का भी स्टाफ मौजूद है और यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल का भी स्टाफ मौजूद है। जो आए हैं यहाँ, उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, बाकायदा रोस्टर बना दिया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। आज अफसोस से कहना पड़ता है, कई दफ़ा जब गलत खबरें आती हैं तो मुझे मजबूरन आपके साथ फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। आज जिक्र किया गया कि जी लाहौर के अंदर बेड खाली नहीं, तो मैं आपको बताती चली, दो अस्पताल हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल में 100% ऑक्यूपेंसी है, कोई शक नहीं, लेकिन मेयो में जगह थी, गंगाराम में जगह है, लाहौर जनरल अस्पताल में है, और आपको पता है कि हॉस्पिटल जो हैं जिसके अंदर शादरा हॉस्पिटल है, मियाँ मीर वाला, फिर कोट ख्वाजा सईद, ये सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, हर हॉस्पिटल अंदर डेंगी बेड्स हैं। और अगर मैं डेंगी बेड्स टोटल आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास कितनी, तो 1209 इन बेड्स को शामिल करके हमारे पास 1209 बेड्स इस वक्त लाहौर में मौजूद है। तो खुदारा मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहना चाहूँगी कि वो सहाफ़ी ब्रादर जिनके पास सही खबर नहीं है, आप जब इस तरह की खबरें बाहर निकालते हैं तो लोगों को परेशान करते हैं और लोगों के लिए मसला पैदा करते हैं। लोगों को आपको सही तरीके से गाइड करना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा लाहौर का बंदा नहीं होगा जिसको एक्सपो सेंटर के बारे में नहीं पता। उन्होंने यहाँ एक्सपो सेंटर आना है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप इमरजेंसी में, आपको खुदा ना खास्ता बुखार है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करके दिन रात 24 घंटे ये सेंटर चलेगा। आप तशरीफ़ लाएं, आपका यहाँ टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के मुताबिक पता चल जाएगा, CBC इमीडिएटली हो जाएगी, विद इन 45 सेकेंड्स हम आपको रिजल्ट दे देंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेंगी वाली बात हुई तो मरीज़ दाखिल हो जाएगा, अगर डेंगी वाली बात ना हुई तो दवाइयाँ और हदायत दे के उस मरीज़ को घर भेज दिया जाएगा। ये सहूलत टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर मरीज़ के लिए। कोई बंदा जिसको बुखार हो, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, कोई बंदा जिसको बुखार है खुदा ना खास्ता और उनका ख्याल है कि डेंगी की वजह से ना हो, तो आप मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ हमारे बाकायदा काउंटर्स, जिस तरह बाकी अस्पतालों में लगे हुए, यहाँ भी काउंटर्स लगे हुए, और हर काउंटर जो है उसका एक स्टेप है, आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर डेंगी का मसला हुआ तो मज़ीद जो टेस्ट होने होंगे वो सारे टेस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और यहाँ हर किस्म का इलाज जो मरीज़ का होना यहाँ मौजूद है। खुदा ना खास्ता कोई क्रिटिकल हुए, जैसे आज के दिन में टोटल मरीज़ जो इस वक्त क्रिटिकल हैं लाहौर के अंदर, उनका नंबर 28 है। 28 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हेमरेजिक फीवर है, उनके प्लेटलेट लो हैं, उनका इस वक्त उनके बारे में जो इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई यहाँ जो मरीज़ आए उसको ज़रूरत ऐसी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, आपको कंट्रोल रूम की बाकायदा आपको दिखाया भी गया कंट्रोल रूम के बारे में, और ये बता रही हूँ कि हर वक्त हमारे पास बेड स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर घर से आना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके 1122 को फ़ोन करें, आपको 1122 इमीडिएटली हस्पताल जिसमें बेड खाली है वहाँ पहुँचाएगी या यहाँ लेके आएगी, ताकि आपकी सारे इलाज जो है और उसकी तशखीस जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर,
वो है 992-111-35 992-111-35 तीन लाइनें हैं 353637 ये मेरे पास लिखी हुई है। आप मेहरबानी करके लोगों को ये इत्तला देनी बड़ी ज़रूरी है ताकि लोगों में ये परेशानी ख़त्म हो कि शायद खुदा न खास्ता डेंगू इतनी काबू से बाहर हो गई है कि बेड्स खाली नहीं है। बेड्स अवेलेबल हैं, हमने सारी सहूलत जो है वो पहुंचाई भी है। अब आ गया मसला कि जी इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि कल के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है 9 अक्टूबर की, वो 3,750 केसेस 3,750 टोटल रजिस्टर्ड केसेस हैं, और लाहौर के पूरे पंजाब के अंदर 2,226 नए केसेस सामने आए थे, और उनमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं, जिसमें 177 जो हैं वो कन्फर्म थे। तो मैं आपको ये बताती चलिए, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ना, उन्होंने भी हमारे साथ तआवुन किया हुआ है, उनके हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त डेंगू के वार्ड्स मौजूद हैं। और जो ये खबर दी जा रही है कि जी आज से 10 साल पहले, आज से 4 साल पहले डेंगू का टेस्ट जो था वो फ्री वहाँ सरकार, ये जो प्राइवेट अस्पताल है प्राइवेट लैब्स में 90 रुपये का था, तो ये मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ आपको, ये नोटिफिकेशन देख लें, 1 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है 2021 की, आपकी ये नोटिफिकेशन बता रही है कि इस वक्त भी जितने प्राइवेट लेबॉरेटरीज हैं वो डेंगू का टेस्ट 90 रुपये में दे रहे हैं। हाँ, बशर्ते ये कि आपके पास नुस्खा होना चाहिए, ये नहीं मुमकिन कि आपको कोई सिम्टम ना हो, किसी डॉक्टर ने लिख के ना दिया हो, आप प्राइवेट से जाके करवा लें। यहाँ आप जब तशरीफ लाएंगे इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री ले के, आपके वाइटल्स देख के, और आपको बाकायदा यहाँ भी इसी तरह टेस्ट होगा। सरकारी अस्पतालों में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और CBC का टेस्ट बेसिकली डेंगू का जो है, जो इनिशियल प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो दी हुई है, और जो NSI टेस्ट है PCR पे है उस पर 35% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। हम आपका जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर तरीके से हर किस्म की सहूलत इस वक्त मौजूद है। लाहौर एज़ यूजुअल हमारा एपी सेंटर है, पिछली दफ़ा रावलपिंडी था, इस मरतबा ज़्यादातर केसेस जो हैं हमारे DHA में आए हैं। बहुत सारी जगहों पे जब नई कंस्ट्रक्शन होती है, बारिश होने की वजह से वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ खाली नहीं किया जाता, तो ये मच्छर जो हैं ये पनपते हैं और फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। आज के दिन में मेरे पास जो इस वक्त नंबर ऑफ हाउसेस जिनको देखा गया है वो ये है कि लाहौर के अंदर 55,000 घरों को बाकायदा उनकी सर्वेलेंस की गई, और उन 55,000 घरों को जिनकी सर्वेलेंस की, उनमें 1719 घर ऐसे थे जिनमें लार्वा पॉजिटिव आया। जब लार्वा पॉजिटिव आता है तो हमारा केस रिस्पॉन्स वहाँ इमीडिएटली शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारे पास एक मरीज़ रजिस्टर होता है तो उसका भी केस रिस्पॉन्स जिस घर से आता है, 50 घर जो इर्द गिर्द होते हैं उन सब की वैक्सीनेशन, उनकी सब की वो होती है स्प्रे होती है, बाकायदा सारे घरों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो ये मैं एक तो क्लियर डेंगू की तरफ से आपका टोटल कि जी ये हॉस्पिटल आज से ये फाल हो चुका है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, आप मेहरबानी करके परेशान बिल्कुल किसी ने नहीं होना, यहाँ तशरीफ़ लाइए, हर तरीके की सहूलत आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसलिए और एक्सपो सेंटर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हर अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड्स अवेलेबल हैं, और जाने से पहले बहुत बेहतर है कि 1122 को आप मेहरबानी करके इन्फॉर्म करें ताकि वो आपको उस अस्पताल में लेके जाएंगे जहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। दो हॉस्पिटल्स में बेड आज अवेलेबल नहीं है, कल उनमें भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे 5 अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल हैं, और 1209 बेड्स को अगर देखा जाए 426 पे अगर मरीज हैं तो बाकी सारे बेड्स जो हैं दे आर लाइंग वेकेंट। इसी तरीके से कोविड का जहाँ तक ताल्लुक है, कोविड भी आपको पता है साथ साथ हमारा चल रहा है, कोविड के नए मरीज़ की रोज़ाना तशखीस हो रही है, जो नई मरीज़ों की तशखीस हुई है वो
टोटल नंबर जो इस वक्त हमारे पास मरीज दाखिल हैं कोविड के पूरे पंजाब के अंदर वो 1476 क्लिनिकली स्टेबल 51 है, लो ऑन लो फ्लो ऑक्सीजन 407 है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 759 है और इस वक्त वेंटिलेटर्स पे 259 पेशेंट्स हैं। वेंटिलेटर्स का ये मतलब है वो जो आप बायपैप के थ्रू भी देते हैं बिकॉज वेंटिलेटर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इन पेशेंट्स की भी बाकायदा उसी तरीके से निगहदाश्त की जा रही है, उनकी सारी दवाइयाँ भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सिलसिला है वो आपको पता है हमारा जारी है और इस वक्त आज के दिन में जो वैक्सीनेशन का नंबर मेरे सामने आया, आप छोड़ दीजिए मेरे को देख लें, जो टोटल नंबर जो अब तक हमारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो है कि 5,21,50,804। ये टोटल वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जिसमें से तकरीबन 60% वो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज मिली है और 40% वो लोग हैं जिनको मुकम्मल डबल डोज भी मिल चुकी है। और आपको पता है सेकंड डोज के लिए इतवार वाले दिन भी हमने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं ताकि जिन लोगों ने अपनी सेकंड डोज लेनी है वो सेकंड डोज ले लें। वाफर मकदार में इस वक्त वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्टिविटी रेशियो जो है वो तकरीबन लाहौर के अंदर 2.9 के है लेकिन ओवरऑल पंजाब के अंदर 1.9 के करीब पहुंचा हुआ है और हालात कोविड के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला खैर रखेगा। जिस तरह की बातें आती हैं सामने इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके वसादत से हम लोगों तक ये बात पहुंचा दें कि सारी सहूलतें मौजूद हैं, हम 24 आवर्स सब काम कर रहे हैं, 24 घंटे मेरा अदारा जो है वो काम कर रहा है, मेरे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं।